अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज पीर का दिन है और शायद बुध को या जुमेरात को ईद होगी। तो जिस तरह बच्चे ईद की तैयारी करते हैं, अपने कपड़े लेकर आते हैं, बच्चियां चूड़ियां लेती हैं, मेहंदी लगाती हैं, उसी तरह खवातीन किचन की तैयारी करती हैं और हम शिकारी भाई जो होते हैं दीवानगी के साथ अपने सामान की तैयारी करते हैं कि जैसे ईद की खत्म होगी, ईद की छुट्टियां होंगी, ईद बच्चों के साथ मनाने के बाद हम लोग डैमों पर चले जाएंगे। तो इस दफा ईद, मीठी ईद के ऊपर, साल 2024 मीठी ईद के ऊपर हम शिकार पे कहाँ जाएं, आज की वीडियो इस हवाले से है। मैं आपके साथ अपने तजर्बात या लोगों से मिलने वाली मालूमात के हिसाब से आपको ये बताता हूँ कि कौन सा डैम मौजू है और कौन सा नहीं। मेरी राय कोई भी हतमी नहीं होती, फैसला आपने खुद करना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट दिनों मैंने एक रावल डैम की वीडियो चढ़ाई, अच्छा शिकार लग रहा, सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन एक भाई साहब को पता नहीं क्या चुल हुई और उनको कोई कीड़ा काटा। उन्होंने मैं कमेंट किया जी ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, कोई गेम नहीं हो रही, मैं आड़ू वाले पॉइंट पे गया, मैं ख्वार हो गया। तो भाई आप आड़ू वाले पॉइंट पे क्यों गए? सारी दुनिया बनी गाला जा रही है, वहां गेम कर रही है, आप आड़ू वाले पॉइंट पे चले गए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मैं इस वक्त तीन डैम रिकमेंड करता हूँ, तीनों डैम। सबसे पहला डैम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ खानपुर डैम। वहां की पर्ची 1500 रुपए की है, 500 रुपए में आप 2 रॉड लगा सकते हैं। दिन की पर्ची अलग है, रात की पर्ची अलग है, वहां रात की इजाजत है। क्लियर? मौके पे आकर आपको वो पर्ची देकर जाएगा पर्ची वाला। नंबर दो शाहपुर डैम। शाहपुर डैम रात की पर्ची अलग है, दिन की पर्ची अलग है। 1000 रुपए की पर्ची है, 4 राड आप लगा सकते हैं, लेकिन शाहपुर डैम जाने से पहले आपने दावत होटल से पर्ची लेकर जानी है। क्लियर? तीसरा डैम है रावल डैम। रावल डैम की पर्ची 1000 रुपए की है, रात की इजाजत नहीं है। 1000 रुपए की पर्ची में आप 3 राड लगा सकते हैं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, 4 दिन की आपको प्रॉपर इजाजत है, आप वहां गेम कर सकते हैं, लेकिन रात को किसी सूरत आपने वहां पर राड नहीं लगाने। रावल डैम के हवाले से एक अनाउंसमेंट और है, या ये समझ लें कि यार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मैंने आप लोगों के लिए कोई एफर्ट कर ली और किसी ने इज्जत दे दी तो उसको ओन करें, इसको लिटिगेशन में ना डालें। रावल डैम में आम मुशाहदे में यह बात आई है कि 1000 रुपए की पर्ची लेकर लोग 4-4, 5-5 राड भी लगाते हैं। कल बरोज इतवार मैं खुद डैम पर गया, मेरा बेटा साथ था, हम बाप बेटे के पास 5 राडें थी जिनमें से मैंने 2 की पर्ची ली, मेरे पास रसीदे मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको दिखा दूं। 2 रसीदें ली और 5 राड लगाए, 6 भी नहीं लगाए। मैं एक मिसाल बनाना चाहता था, वहां ठेकेदार और ठेकेदार के बंदे आए, उन्होंने मुझसे कहा नवीद भाई देखें आपने लोगों को 3 राड करवा दिया, हमारे खिलाफ आप वीडियोस बना देते हैं, आप ये देखें कि ये लोग 1000 रुपए की पर्ची लेके 4-4 राड लगा रहे हैं, आप इनको भी तो बताएं। यार मेरा सर शर्म से झुक गया। आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आप लोग इसी तरह कानून तोड़ेंगे, इसी तरह आप लोग बुराई फैलाएंगे या नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। गेम अच्छी हो रही है रावल डैम में, रोहू लग रहे हैं, सिंघाड़े लग रहे हैं, तगड़ा शिकार लग रहा है, 3 राड भी संभाले नहीं जाते। कल मैं जब शिकार पे गया तो एक भाई साहब ने 1 राड लगाई हुई, उसके 20 फुट बाद दूसरी राड, 30 फुट बाद, जिस स्पॉट पे हफ्ते वाले दिन 150 राड लगा था वो स्पॉट 15 राडों के साथ उन भाई साहब ने कवर कर लिया। यार दिलों में वसत रखें, 3 राड कितनी जगह लगते हैं। मैंने वही 3 राड अपने 4 फुट की जगह में लगाए, मुझे इतवार को गेम नहीं हुई, इसकी वजह यह है कि मैं नाले में बैठा था, पेतल पेतो उन भाई साहब ने अपने 5 राड जो थे वो 20 फुट के एरिया में, 20-20 फुट के एरिया से लगाए हुए थे। सीनियर शिकारी थे भाई, जिसको पॉइंट मिल जाता वो सीनियर बन नहीं जाता है। मजा तो जब है ना कि जब आप बराबर बैठे और प्रॉपर बड़ा दिल करके जगह दे, भाई आपके 3 राड हैं, आप 5-10 फुट जगह ले रहे हैं, आप 10-10 फुट के 15-15 फुट पे एक एक राड लगा रहे हैं। तो ईद के दिनों में आपने अपने दोस्तों का ख्याल करना है, ये नहीं करना कि आपने कहना कि मैंने प्लाट बुक कर लिया। मुझे आने वाले दिनों में रावल डैम में काफी सारी बदमजगियां और झगड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि ईद के चक्कर में जो है बन्नी मार्केट, जो मोबाइल मार्केट कहलाती है, वो दोनों साइडों से बंद हो जाएगी। लिहाजा शिकार की जो 3 दुकानें हैं, जहीर साहब की दुकान, अपना हारिस फिशिंग टैकल और मकसूद भाई की दुकान मुगल फिशिंग स्टोर, और वकास की दुकान वकास फिशिंग टैकल, तीनों दुकानें ईद के पहले दिन बिल्कुल नहीं खुल सकेंगी। तो अगर जिन दोस्तों ने ईद के दूसरे दिन निकलना है, वो बॉटम पे नंबर मैं दे रहा हूं, आप उन लोगों से अगर गिंडोए कीड़े
लेना चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग करवा दें। एडवांस बुकिंग इस वक्त चल रही है, मैं अपनी जात के लिए एडवांस बुकिंग करवा चुका हूं क्योंकि मैं रेगुलर शिकार खेलता हूं। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि अपने दिलों में कैसे वसत रखनी है, रावल डैम की क्या शिकार की पोजीशन है, आपके खानपुर डैम की क्या पोजीशन है, आपके शाहपुर डैम की क्या पोजीशन है। रहा सवाल मंगला और त्रिवेला का, तो मंगला और त्रिवेला में फिलहाल गेम की कोई रिपोर्ट नहीं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वहां से भी अच्छी उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।